हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन स्पाइस एंड हर्ब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये स्पाइसेस, जिसका हिंदी अर्थ है मसाले, वैसे स्पाइसेस का अर्थ हर देश और भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे मसालों का अर्थ जहां वो उग रहे हैं और लोग उसे पुराने समय से सूखे या ताजे स्वरूप में उपयोग कर रहे हैं, इस बात पर भी निर्भर करता है। यह हम सबसे प्रचलित दृष्टिकोण के हिसाब से स्पाइस के विषय में जानकारी साझा कर रहे हैं। स्पाइस वनस्पति जगत से प्राप्त वनस्पति का कोई भी सूखा भाग, जैसे जड़, छाल, पत्ते, फलियां, कलियां और बीज हो सकते हैं, जो भोजन में एक स्वाद, झाल या फिर भोजन को खाने के लिए प्रेरित करने वाला तत्व प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार के मसाले भोजन में अपना सुगंध भी प्रदान करते हैं, जैसे ये इलायची का उपयोग अक्सर इसके सुगंध के लिए भी किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मसालों को अक्सर लबिएट यानी लेमिसियाई, एम्बलिफरासी यानी एपिसियाई और जिंजर बेरासियाई समूह के वनस्पतियों के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जाता है। भारत तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इसके अतिरिक्त अन्य वनस्पति समूह से भी मसाले प्राप्त किए जाते हैं। और पूरे भारत भर में सभी तरह के मसाले बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और जिनका दाम वहाँ के स्थानीय बाजार पर निर्भर करता है। आज का दूसरा विषय है हर्ब। हर्ब शब्द लेविट हर्बा शब्द से आया है, जिसका अर्थ है मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधीय गुण वाले पौधे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अक्सर पेरिनियल प्लांट्स यानी वनस्पतियां जो छोटे पौधे और जिनकी आयु कुछ वर्षों तक की होती है को इस समूह में रखा गया है। यूरोप में बहुत पुराने समय से हर्ब को उनके औषधीय गुणों के कारण ही उपयोग में लाया जाता है। आप इसे हिंदी में जड़ी बूटी कह सकते हैं। जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलसी के पत्ते और मुलेठी एक हर्ब है, जो गला खराब होने में, काढ़ा या चाय बनाने में उपयोग में लाई जाती है। परंतु बहुत से यूरोपीय देशों में मुलेठी को मसाले की तरह मीठे पकवानों में भी उपयोग में लाया जाता है। तुलसी तो आज घर घर में ही उपलब्ध है और अन्य हर्ब आपको औषधियों की दुकान में ही मिल पाएगी। सरल शब्दों में कहा जाए तो मसाले को हम एवरीडे लाइफ में उपयोग में लाते हैं, और जबकि हर्ब एक वैज्ञानिक परिभाषा द्वारा निर्देशित पौधे जिनका आकार और आयु छोटी होती है मान सकते हैं। ये स्पाइस और ये हर्ब, ये दोनों ही वनस्पति जगत में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारी हर्ब्स को हम स्पाइस की तरह भी उपयोग में लाते हैं, और बहुत सी स्पाइसेस उनके औषधीय गुणों के कारण भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग में लाई जाती हैं। परंतु यह एक बात ध्यान रखने की है कि मसाले हम रोज के भोजन में उपयोग करते हैं और हर्ब का उपयोग रोगों के निवारण के लिए आवश्यकता अनुसार किया जाता है, और हमारा आयुर्वेद हर्ब के अनंत ज्ञान से भरा हुआ है, जिसका उपयोग कई वर्षों से पूरा विश्व भी कर रहा है। और हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी स्पाइसेस एंड हर्ब के विषय में आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।